जो हमारे पास होती है ना इक्वालिटीज, उसमें आता है हमारे पास इक्वल टू का साइन, इक्वालिटी जिसे बोलते हैं। इसमें इक्वल टू बराबरी का निशान आता है, और एक होता है हमारे पास इन इक्वालिटीज, उसमें आता है हमारे पास चार तरह के साइन, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। अब ये है ना एल एल शेप भी बन रहा है ना, लेस उधर से बन जाता है लेस, इसको बोलते हैं लेस देन। ये आ गया हमारे पास ग्रेटर देन, और इधर से आप वैसे भी बता सकते हैं कि मतलब अगर मैं लिखता हूँ ए लेस देन ए ग्रेटर देन बी, जिसकी तरफ मुंह खुला होगा ना इसका, वो बड़ा होगा वैल्यू, और जिसकी तरफ ये टेल होगी, बैक साइड होगी, टेल होगी, तो वो हमारे पास छोटी वैल्यू होगी। इसको हम दो तरीकों से पढ़ सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, अगर वर्बली हमने लिखना हो ना तो हमारे पास, हम इसको लिख सकते हैं ए इज ग्रेटर देन बी, या इधर लिख सकते हैं हम दूसरा बी इज लेस देन ए। अब ये भी हो गया, इनक्वालिटीज में हमारे पास ये चार तरह के साइन आते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल टू। ठीक हो गया ना। अब ये हमने ये जो चैप्टर है इसमें बेसिकली हमने डिस्कस करना है लीनियर इनक्वालिटीज को। लीनियर इनक्वालिटीज आपको पता है, याद होगा, लीनियर जो क्वेश्चंस होती हैं, जैसे लीनियर क्वेश्चन में आपके पास आ जाता है इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो। अब ये इनक्वालिटीज की जगह हमने इन इक्वालिटीज लगानी है, इक्वालिटी खत्म कर देनी है। अब हमारे पास इस तरह होगा ए एक्स, ये जो दूसरी तरफ ले जाओ इसको ना ऐसे कर लो, ए एक्स इक्वल टू जैसे बी होता था, इसमें आप कर लो ए एक्स लेस देन बी, ए एक्स ग्रेटर देन बी, ए एक्स लेस देन एंड इक्वल टू बी, ए एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू बी। तो इनको सॉल्व करने का मेथड बेसिकली कैसे है, इनक्वालिटीज में ना चंद रूल्स जो हम फॉलो कर सकते हैं, वो कौन से रूल्स हम फॉलो कर सकते हैं। जैसे हम इक्वालिटीज में हमने डिस्कस किया हुआ है कि अगर हम इसमें हमें कोई चाहिए प्लस फोर करना है हमने लेफ्ट साइड पे, तो वही काम हम राइट साइड पे भी अमल करेंगे, मतलब जो लेफ्ट साइड पे ऐड हो रहा है वो राइट साइड पे भी हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मल्टीप्लाई और डिवाइड हम किसी भी नंबर से भी दोनों को कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसमें मसला किसमें बनता है, इसमें मसला बस एक नंबर का बनता है, जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनक्वालिटीज चेंज हो जाती है। अब ये देखो इसकी एग्जांपल आपके सामने है, ये देखो फोर लेस देन होता है फाइव से, अगर हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं इधर, ये आ गया जीरो, ये आ गया टू, ये आ गया फोर, ये आ गया फाइव, इधर माइनस टू, माइनस फोर एंड माइनस फाइव। अब ये देखें फोर क्या है, लेस देन है फाइव से, ठीक है, अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, माइनस फोर माइनस फाइव। अब वैल्यू कौन सी बड़ी हो गई है, अब वैल्यू बड़ी हो गई है फोर माइनस फोर, ये देखें माइनस फोर पहले आ रहा है माइनस फाइव बाद में, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू बड़ी है, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। जस्ट ये आपने चीज़ याद रखनी है, बाकी वही जो हम करते आ रहे हैं इसमें इक्वालिटी में, बाकी सारी प्रॉपर्टीज वही हैं, दोनों तरफ ऐड कर सकते हैं, दोनों तरफ माइनस कर सकते हैं, दोनों तरफ मल्टीप्लाई पॉजिटिव नंबर से कर सकते हैं, दोनों तरफ डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका ये वाली इनक्वालिटी जो है वो चेंज हो जाएगी, अगर लेस देन है तो ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगी, ग्रेटर देन है तो लेस देन में चेंज हो जाएगी। क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट। अब इसमें लीनियर इनक्वालिटी हमारे पास अगर देखते हैं हम, ये थी अब लीनियर क्वेश्चन बेसिकली लीनियर का मतलब ही हमारे पास क्या होता है, इसको हम उर्दू में बोलते हैं यक दर्जी,
जिसमें उसकी पावर आती है एक इस वेरिएबल की। ठीक है, अब ये थी सिंपल किसमें, जिसमें हमारे पास वन वेरिएबल आ रहा था एक्स। अब इसी तरह हमारे पास लीनियर इक्वेशन होती है इन टू वेरिएबल्स। जब टू वेरिएबल्स की बात करेंगे तब हमारे पास आएगा ए एक्स प्लस बी लेस देन सी। इसी तरह ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी, ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन एंड इक्वल टू सी, ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन एंड इक्वल टू सी। ये चार तरह की हम लिख सकते हैं उसको। अब ये चार तरह तो लिख लेंगे हम इधर, लेकिन आपको ये आइडिया होना चाहिए अब ये किस वेरिएबल में आ गई है हमारे पास, टू वेरिएबल्स में। वेरिएबल कौन कौन से आ रहे हैं इधर, एक्स एंड वाई। ठीक हो गया। और आपको पता है कि जब हम एक ग्राफ ड्रा करते हैं किसी चीज का भी, किसी भी चीज का जब ग्राफ ड्रा करना होता है तो सबसे पहले तो हमें एक्स और वाई एक्सिस, इन शॉर्ट हमें कार्टेशियन प्लेन का पता होना चाहिए, एक्स वाई प्लेन का पता होना चाहिए। एक्स वाई प्लेन होता क्या है, तो एक्स वाई प्लेन और भी डिफाइन करते हैं हम। इधर हमारे पास होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड होती है, ये एक्स एक्सिस की नेगेटिव साइड, ये वाई एक्सिस की पॉजिटिव साइड और ये वाई एक्सिस की नेगेटिव साइड। दरमियान में इसके पॉइंट्स को हम बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन से हमने काम स्टार्ट करना होता है। इसके पॉइंट्स, इसको लिखते हैं कैपिटल ओ, और इसके पॉइंट्स होते हैं ऑर्डर पेयर, इसका होता है 0 0। ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट वैल्यू होगी एक्स की और वाई की वैल्यू सेकेंड वाली। तो ये जो पॉइंट जहाँ पे लाइन आपस में एक दूसरे को कट करती है वो पॉइंट हमारे पास क्या होता है, इसका ओरिजिन पॉइंट। और ओरिजिन पॉइंट पे उसके जो ऑर्डर पेयर होता है वो हमारे पास क्या होता है, 0 0। फिर उसके बाद हमारे पास जब रीजन, अब रीजन बना दी है उसने ना हाफ प्लेन। अब ये देखें इसके चार रीजन बन सकते हैं, अपर प्लेन, ये लोअर, फिर ये राइट और ये लेफ्ट। अब वो ग्राफ की बेस पे बनेगा, वो अपर की तरफ जा रहा है, लोअर की तरफ जा रहा है, राइट की तरफ जा रहा है या लेफ्ट की तरफ जा रहा है। तो जो हमारे पास है रीजन 1 एंड 2, रीजन 1 एंड 2 आर द हाफ प्लेन एंड द। अब बुक आपके पास खुली पड़ी है इसमें? यस सर। हाँ, बुक पे देखे पेज नंबर 230 है, पेज नंबर 230, पेज नंबर 230 में ये ग्राफिंग ऑफ अ लीनियर इनक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स लिखा हुआ है। उसके नीचे ये चार जो अभी इक्वेशंस मैंने लिखी थी वो लिखी हुई है। फिर उसके नीचे आप थोड़ा सा जाएंगे और तो उसमें ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये वाले ना, नंबर 1 एंड नंबर 2। द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स एंड वाई सच डेट, वो लेस देन के लिए भी वही होंगे, ग्रेटर देन के लिए भी वही होंगे। जो कहता है रीजन है ना हमारे पास 1 एंड 2, तो वो हमारे पास हाफ प्लेन, कॉल्ड हाफ प्लेन एंड द लाइन। लाइन कौन सी, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 0। जब इक्वल टू की बात करेगा तो वो लाइन आ जाएगी हमारे पास। इज कॉल्ड द बाउंड्री ऑफ द ईच हाफ प्लेन। मतलब इन शॉर्ट ये कह रहा है कि जब ये वाली लाइन भी हमारे पास इक्वल टू आ जाएगी ना, इक्वल टू आ जाएगा जब, तब ये वाली लाइन भी उसमें शामिल होगी। वो इसकी क्या कहलाती है, बाउंड्री ऑफ ईच हाफ प्लेन। तो इसी तरह कहता है नीचे लिखा हुआ है उसने, नो डेट वर्टिकल लाइन डिवाइड्स अ प्लेन इनटू लेफ्ट। जैसे ये हॉरिजेंटल लाइन किसको डिवाइड कर रही थी, अपर हाफ प्लेन और लोअर हाफ प्लेन को। और ये हमारे पास जो वर्टिकल लाइन है ये किसको डिवाइड करती है, राइट हाफ प्लेन और लेफ्ट हाफ प्लेन, दूसरे में वही बात कर रहे हैं। एंड अ वाई नॉन वर्टिकल लाइन डिवाइड्स अ प्लेन इनटू अपर एंड लोअर, और जो वर्टिकल लाइन है वो डिवाइड करती है इनको लेफ्ट एंड राइट। इसी लाइन में आप जाते जाएंगे लास्ट में नोट लिखा हुआ है, नोट दैट द लीनियर इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी इज कॉल्ड
एसोसिएट और कोरस्पोंडिंग इक्वेशन। जब भी हमने जो भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन दी होगी, लीनियर इनक्वालिटी ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन सी, तो इसकी सबसे पहले हमने एसोसिएटेड इक्वेशन या हमने क्या बनानी है इसकी, या उसको बोलते हैं कोरस्पोंडिंग इक्वेशन। तो इधर से हमारे पास जब भी बनाएंगे तो लीनियर एसोसिएटेड इक्वेशन या कोरस्पोंडिंग इक्वेशन इनइक्वालिटीज खत्म करके हमने क्या कर देना है, उसका इक्वालिटी डाल देनी है। इक्वालिटी डालने के बाद इसका प्रोसीजर ये होता है हमारे पास, एक दफ़ा आपने x इक्वल टू जीरो रखना है और y का आंसर देखना क्या आता है। y का आंसर इधर से क्या बनेगा, y इक्वल टू सी ओवर बी। एक दफ़ा आपने y का आंसर जीरो रखना है और x का आंसर क्या बनेगा, c ओवर a। जब इसमें y जीरो हो गया तो x की वैल्यू इधर से क्या निकलेगी, c ओवर a। जब इसमें से हमारे पास x जीरो है तो ये सारी वैल्यू खत्म हो जाएगी बी वाई की वैल्यू, y की वैल्यू इधर से क्या आएगी, c ओवर b। तो इधर के आर्डर पेयर लिख देंगे हम, जीरो और c ओवर b, और इसके बन जाएंगे हमारे पास c ओवर a और जीरो। ये हमारे पास इसके ऑर्डर पेयर बन जाएंगे, और ये वाले ऑर्डर पेयर हमने ड्रा करने हैं जो हमारे पास कार्टीजन प्लेन होगा। जहाँ ड्रा हो गए उसको हम एक लाइन से मतलब मिला देंगे, मिलाने के बाद हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन बन जाएगा इसका। सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशन जनरेट करनी है, फिर x इक्वल टू जीरो पे y की वैल्यू क्या आ रही है, फिर y इक्वल टू जीरो उस पर x की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, ये हमने चेक करना है इसमें। ठीक हो गया, ये सारे के सारे हमने ग्राफ बनाने हैं इनके ना। अब हम चलते हैं इसकी पहली एक्सरसाइज पे। पहली एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर वन का कोई पार्ट है, क्वेश्चन नंबर वन का पहला पार्ट है, पहला पार्ट है, नहीं थर्ड भी है फोर्थ भी है, चलो वो देख लेते हैं। अब ये आ गया जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर फिफ्थ 5.1 का पहला पार्ट। अब इसमें देखना है हमने ये क्वेश्चन दिया है, उसने 2x प्लस y लेस देन एंड इक्वल टू 6। अब आपको सबसे पहले क्या बोला है, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन जनरेट करनी है या कोरस्पोंडिंग इक्वेशन, कोई भी आपने लिख देना है। द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ नंबर वन जो पहली मसावात है उसकी एसोसिएटेड या क्रॉसपॉन्डिंग क्वेश्चन हमारे पास क्या बन जाएगी, इनक्वालिटी खत्म करके आपने जस्ट क्या डाल देना है, इक्वालिटी। अब ये देखें, ये बन गई 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। आपने x इसमें रखना है 0, y का आंसर क्या बन जाएगा, डायरेक्ट y का आंसर x 0 हो गई है सारा 0, y का आंसर क्या आ गया 6। फिर आपने रखना है y का आंसर 0 और x का आंसर क्या बन जाएगा 3, टू जब उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। इधर से ऑर्डर पे क्या बन गया, 0 6 और 0। दोबारा बता दे, सबसे पहले हमने क्या करना है, इसकी क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन या एसोसिएटेड इक्वेशन बनानी है। इनइक्वालिटीज, ये इनइक्वालिटीज आ रही थी ना लेस देन वगैरह, वो खत्म करके हमने क्या कर देना है इसको, इक्वल टू। फिर हमने क्या किया, वाई इक्वल टू जब 0 रखा, इधर वाई 0 हो जाएगा इस जगह पे, तो एक्स का आंसर क्या बन जाएगा, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 3 बन जाएगा। ऑर्डर पे कैसे लिखेंगे हम, ये गलत लिखा गया, इधर आना था 3 और 0। फिर हमने दूसरे में क्या करना है, x 0 रख देना है, जब ये वाली सारी वैल्यू 0 होगी तो y का आंसर क्या बन जाएगा, 6। तो इसका ऑर्डर पे क्या बन गया, 0 6। ये देखें 3 0 एंड 0 6। अब इसको हमने ग्राफ पे कोई भी वैल्यू, सर कोई भी वैल्यू होगी उसको हमने 0 पे रख देना है, मतलब y को 0 पे और x को 0 पे। हाँ, हमने मालूम ही यही दो करनी है, हमने वैल्यू और फाइंड आउट नहीं करनी, हमने जस्ट ये वैल्यूज ही फाइंड आउट करनी है कि एक दफा x 0 रखना है, y का आंसर देखना क्या आता है,
एक दफा हमने वाई का आंसर जीरो पुट करना और एक्स का आंसर क्या आता है, ठीक हो गया। जी। तो अब ये देखें, ये हमने पुट किया इसमें, मतलब वो ये आ गया हमारे पास। अब ये हमने ड्रॉ कर लिया, ये हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस था। 3-0 मतलब ये उसका पहला पॉइंट आ गया, ये उसका दूसरा पॉइंट आ गया, ये तीसरा पॉइंट, 3-0। अब इस पे ये एक क्वेश्चन बन गई, उसको हमने डॉट लगा लिया। फिर हमने देखा कि 0-6 है, 1 2 3 4 5 ये 6, और ये 6-0-6 आ गया। ये किन है? इस लाइन का आया ना हमारे पास, इन दोनों को आपस में मिला देना, एक लंबी लाइन खींच के ना, ये लंबी लाइन खींच के उसने आपस में मिला दिया। अब हमने ये चेक करना है कि ये हमारे पास किस तरफ जा रहा है, मतलब अपर है, लोअर है, राइट है, लेफ्ट है, किधर है, वो हमने चेक करना है। वो कैसे? वो हमने चेक करना है कि इसमें 0-0 पुट कर देना है। ये देखे 2x + y <= 6, एक्स और वाई की जगह हमने क्या पुट कर देना है, 0। तो इसमें 0 < 6, ये ठीक है ना? अगर ये ठीक हुआ, ये इनक्वालिटीज ठीक हुई, तो इसने मूव करना है ओरिजिन की तरफ। ओरिजिन की तरह ये, इसने ओरिजिन की तरफ आना है इधर। अगर ये इनक्वालिटी ठीक ना होती, अगर इधर होता -6 0 < 6, तो ये तो गलत है। तो इसने फिर जाना था दूसरी तरफ, फिर इसका ग्राफ बनना था इस साइड। अब इसका ग्राफ इस साइड पे क्यों बना है? क्योंकि ये इक्वेशन थी, 0 छोटा ही होता है 6 से, तो इसने ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर दी है। जब ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, तो इसका मतलब क्या, तो उसका ग्राफ जो बनेगा वो किसकी तरफ बनेगा, ओरिजिन की तरफ। ओरिजिन इधर आ रहा था, उसको हमने ओरिजिन की तरफ शेड कर देना। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है इसका, पहले थर्ड, का थर्ड पार्ट? यस। ओके okay. पहले का थर्ड पार्ट। अच्छा, अभी इसमें भी देखें, 3x - 2y > 6, करोस्पॉन्डिंग या एसोसिएटेड इक्वेशन क्या बन गई? इनक्वालिटी खत्म करके क्या लगा दिया, इक्वल टू का निशान। एक दफा वाई जीरो रखा, एक दफा एक्स जीरो रखा। वाई जीरो रखा तो इधर से ये देखिए, जब ये वाई जीरो हो जाएगा तो एक्स की वैल्यू क्या बनेगी, 2। 3 दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, ये देखें 2-0 आ गया एक पेयर। और जब हम इसको रखेंगे, वाई को इक्वल टू 0 रखा तो वो बन गया, जब हम एक्स को 0 रखेंगे तो वाई का आंसर -3 बन जाएगा। तो उसका ऑर्डर पेयर बनेगा 0 और -3। तो अब हमने इसको ड्रा करना है किसमें, ग्राफ पे। जब ग्राफ पे हम ड्रा करेंगे, तो ग्राफ पे ड्रा करने के बाद ये आ गया। अब ये देखें, पॉइंट हमारे पास पहला पॉइंट क्या बन गया, 2 and 0, 2 and 0। 2 पहला एक्स का है, वाई का बाद में, ये बन गया 1 and 2। 2 पॉजिटिव था, ये आ गया हमारे पास 2 0 और 2। फिर 0 और -3, पहले अब पॉजिटिव आ रहा था, हम ऊपर की तरफ लिख रहे थे, अब नेगेटिव माइनस आ रहा था, वो नीचे की तरफ वाई की वैल्यू होगी। 1 2 और 3, इस लाइन को आपस में क्या कर दिया हमने, अटैच कर दिया। एक लाइन लंबी से लगा के हमने कह दिया ये लाइन चलती जा रही है। था अब हमने चेक करना है कि ये क्या इसमें 0 पुट करने, 0 0, एक्स भी 0 पुट करें, वाई भी 0 पुट करें, इस इक्वेशन में, इनक्वालिटी में, ये क्या बन जाएगा, 0 - 0 > 0। 0 6 से बड़ा होता है, नहीं ना होता? तो इसका मतलब इसने रीजन की तरफ नहीं बनना, अभी आपको बताया था। जब ये सेटिस्फाई कर दे, 0 छोटा होता है 6 से, तब ये ओरिजिन की तरफ बनना था। अब ये 0 बड़ा तो नहीं ना 6 से, ये गलत हो गया। तो इसका मतलब इसने ओरिजिन की तरफ नहीं मूव करना, इसने ओरिजिन से अपोजिट साइड की तरफ मूव करना है। बस अगर ये तीन चीजें आपको समझ लगी, क्रॉस पॉन्डिंग क्वेश्चन, एक दफा एक्स वाई 0 पुट करना है, और तीसरा हमने चेक करना है मतलब उसका साइन हमारे पास किधर होगा, दोनों एक्स भी पुट करना है 0 और वाई भी 0 पुट करना है, तो हमने देना कि साइन किस तरफ होगा। अगर ये क्लियर हो गया तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर ये क्लियर हो गया ना? यस ओके okay. क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर में हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर फोर में हमारे पास उसने इनक्वालिटीज दी हुई है 5x-4y लेस देन एंड इक्वल टू 20। अब उसी तरह y जीरो पुट किया और x जीरो पुट किया, y जीरो पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी? 4। और जब x जीरो पुट करेंगे तो y की वैल्यू बन जाएगी -5। ये आ गया 4 0 एंड -5, 0 एंड -5, 4 0। ये हम ड्रा करेंगे एक्स एक्सिस से, 1 2 3 4, 4 0 ये पॉइंट लिख दिया उसने, और 0 और -5 ये देखें 1 2 3 4 5 नीचे की तरफ, क्योंकि माइनस में था वाई एक्सिस की वैल्यू। उन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दिया, मिलाने के बाद अब हमने चेक करना है कि 0 0 पुट करने के बाद ये सेटिस्फाई करती है, 5x-4y लेस देन एंड इक्वल टू 20। एक्स भी 0 और वाई भी 0 पुट करें इसमें, 5 × 0 0, -4 × 0 0, 0 - 0 लेस देन 20। 0 छोटा ही होता है 20 से, ये इसका मतलब सेटिस्फाई कर दिया। तो इसने किसकी तरफ मूव करना है? ओरिजिन की तरफ। ओरिजिन ये है हमारे पास, ओरिजिन की तरफ हमने उसको शेड कर देना। क्लियर? पहला क्वेश्चन खत्म हो गया क्या? है उसका और को पार्ट, नो सर हो गया। दूसरे दूसरा पार्ट, का सेकंड पार्ट दूसरे का सेकंड पार्ट। अब उसमें हमारे पास आ रही थी एक इक्वेशन, एक इनक्वालिटी आ रही थी, लीनियर इनक्वालिटीज। अब इसमें दो दे दी उसने, नंबर वन एंड नंबर टू। अब ये देखिए, फर्स्ट वाले को हमने एक दफा फर्स्ट वाले को एसोसिएटेड करना है, दूसरे को भी एसोसिएट कर लेना है, एसोसिएटेड इक्वेशन बनानी है। ये एक है ना ग्राफ पूरा, मैं आपको बना के दिखाता हूँ, इस पर लिखवाना मुझे अपना असना एक्स क्वेश्चन। प्लस वाई ग्रेटर एक्स प्लस वाई देन 5 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5, जी, और दूसरी ग्रेटर माइनस वाई प्लस एक्स जी। ठीक हो गया। अब इनकी हमने सबसे पहला कार्रवाई हमने क्या करनी है नहीं इसकी? सर, सर हाँ 5 में ग्रेटर देन है और 1 में लेस देन है। तो यही लिखा है मैम, ग्रेटर देन और लेस। नहीं, हाँ जी सबसे पहला इसका काम क्या है? एसोसिएटेड इक्वेशन बनानी है हमने, एसोसिएटेड इक्वेशन हमारे पास इन दोनों की क्या बनेगी? इसकी बन जाएगी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, और इसकी बन जाएगी माइनस प्लस एक्स इक्वल टू 1। इसमें जब हम एक्स जीरो पुट करेंगे तो वाई का आंसर क्या बन जाएगा? डायरेक्टली पता लग गया 5। जब y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x का आंसर क्या बनेगा? वो भी 5। तो इसका मतलब 0 5, ऊपर वाले पेयर हमारे पास 0 5 बन गया, नीचे वाला पेयर हमारे पास बन गया 5 0। अब इसमें जब हम x 0 पुट करेंगे तो y का आंसर -1 होगा, और जब इसमें हम y 0 पुट करेंगे तो x का आंसर क्या होगा? 1। तो इधर से ऑर्डर पेयर बन गया 0 -1 एंड 1 0। अब हम देखते हैं इसको ड्रा करके कार्टेशियन प्लेन में। अब देखना है हमारे पास मैक्सिमम नंबर कौन सा आ रहा है? 5। तो हमने 5 लाइन लगा लेनी है, 1 2 3 4 5 हर तरफ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तब ये देखें 0 और 5, ये वाला पॉइंट आ गया 0, और y की वैल्यू जहां 5 है।
और 5 और 0 ये वाला पॉइंट आ गया। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपस में एक लाइन के जरिए हमने मिला देना है और वो लाइन आगे तक लेते जाना है। ठीक हो गया, ये लाइन को हमने कह देना है नंबर वन। इस क्वेश्चन को हम निकाला हुआ है नंबर वन, इस क्वेश्चन को हमने कह दिया नंबर, इनक्वालिटी को नंबर टू। अब इधर से हमारे पास आंसर क्या बना, 1 0 1 0 ये आ गया एक पॉइंट, और दूसरा पॉइंट इसका कौन सा आ गया, 0 और -1, -1 नीचे होता है। अब इन दोनों को पॉइंट्स को आपस के साथ मिला के एक लंबी लाइन खींच दी हमने। अब आ गया इसका टेस्ट करना है हमने, जो टेस्ट करना है टेस्ट में हमने क्या करना है, टेस्ट में हमने पुट करना है इसमें 0 0 पुट करना है। जब 0 0 पुट करेंगे हम, एक्स भी 0 y भी 0, ये देखें इस क्वेश्चन में हम जब पुट करेंगे, सॉरी इस क्वेश्चन में जब हम पुट करेंगे x भी 0 x भी 0 और y भी 0, तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी 0 + 0 > 5। 0 > 5 होता है नहीं, ये आ गया फॉल्स। इसका मतलब इसने किसकी तरफ मूव करना है, क्वेश्चन नंबर वन ने, ये क्वेश्चन नंबर टू थी, क्वेश्चन नंबर वन ने इसका जवाब बनना है इस साइड पे, ओरिजिन की तरफ क्यों नहीं आना, क्योंकि उसने सेटिस्फाई नहीं किया। ये बन गया हमारे पास, ठीक हो गया। अब दूसरी क्वेश्चन को हम देखते हैं वो सेटिस्फाई करती है कि नहीं। दूसरी क्वेश्चन में हमने 0 पुट किया, 0 + 0, इसमें 0 + 0 पुट किया, लेस देन एंड इक्वल टू 1, तो 0 < 1 ये ट्रू है, तो इसका मतलब इसका ग्राफ की तरफ किस तरफ बनना है, इसका ग्राफ बनना है ओरिजिन की तरफ, ओरिजिन ये है तो ये ओरिजिन की तरफ बनेगा। ठीक हो गया, हमने अब हाईलाइट कौन सा करना है, इनमें से शेड कौन सा करना है, वो शेड ये वाला पार्ट करना है, ये देखें ये ऐसे शेडिंग कर देनी है हमने, और ये वाला कॉमन जो इनका पार्ट होगा वो हमारे पास इसका ग्राफ होगा। क्लियर हो गया, बहुत खूबसूरत ग्राफ है सर। प्यारा बना है ना, कलर अच्छे अच्छे डाले हैं यस इसलिए। ठीक हो गया, यस चलें जी ये अब खूबसूरत ग्राफ में डाल देते हैं। अब इधर से क्लियर हो गया ना, ज्यादा सर क्लैरिफाई हो गया आपको कैसे करना है। एसोसिएटेड क्वेश्चन में आनी है, एक दफा x = 0, एक दफा y = 0, दो क्वेश्चंस बन, दो पॉइंट्स बन जाएंगे हमारे पास ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर में हमारे पास हम ड्रा करेंगे जब उसको कार्टेशियन प्लेन में, तो उनकी लाइंस आपस में मिला देंगे, वो हमें पता लग जाएगा कि कौन सी लाइन है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट थर्ड पार्ट सेकंड टाइम, जी। अच्छा अभी जब इसका थर्ड पार्ट करेंगे उसी तरह 3x + 7, इसको हमने एसोसिएटेड क्वेश्चन बना लिया ये, और दूसरी को भी एसोसिएटेड, एक दफा x = 0 y = 0, उनके आंसर आ गए, ऑर्डर पेयर आ गया 7 और 0 0 और 3। जीरो और थ्री तो इधर से हमारे पास हमने देखना है। अब ये देखो जब इसको हम ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे, ये आ गया हमारे पास, ये आ गया 7 0 एंड 0 एंड 3, इन दोनों को आपस में मिला दिया वो पॉइंट आ गया हमारे पास। फिर उसके बाद हमने देखना है दूसरे के, जो दूसरी क्वेश्चन थी ये वाली x - y = 2, उसमें भी एक दफा x = 0 एक दफा y = 0, उनके भी आंसर आ गए, वो एक आंसर बन गया 2 0 और एक आंसर बन गया -2 0। ये जब आंसर आ गए, अब हमने देखना था ये वाली क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चंस को
ये थी हमारे पास एसोसिएटेड क्वेश्चन से पहले। इसमें जब जीरो जीरो पुट करेंगे ये बन जाएगा जीरो लेस देन एंड इक्वल टू 21। ये हो गया फॉल्स। जीरो और जीरो ये जीरो आ जाएगा टोटल, लेस देन इक्वल टू टू ये ट्रू हो गया। पहली क्वेश्चन है वो मूव करेगी दूसरी तरफ, मतलब पहली क्वेश्चन का ग्राफ इस तरह बनना था। पहली क्वेश्चन का ग्राफ हमारे पास वो दूसरी तरफ बनेगा। दूसरी तरफ बनने के बाद हमने देखना है फर्स्ट क्वेश्चन को, ये हमारे पास रीजन के दूसरी तरफ बनेगा। और जब हम देखेंगे दूसरी क्वेश्चन वो ट्रू है, वो मूव करेगी रीजन की तरफ। वो रीजन उसका मुंह इधर है, इधर से हम कलर चेंज कर लेते हैं। रीजन का मुंह इस तरफ तो हाईलाइटेड हमने कौन सा करना है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया शेडेड कर देना हमने अच्छे से उसको। बाकी ऐसे लाइनें होंगी, इसको अच्छे से मतलब आपने ब्लर कर देना अच्छे से ना, भर देना। तो ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा। नीचे वाले को क्यों नहीं किया डार्क? जहां पे कॉमन पार्ट आ रहे हैं ना, वो कॉमन पार्ट हमने चेक करना है ना, दोनों क्वेश्चन कहाँ पे सर ठीक मूव है सर, मुझे तो वैसे भी पेंटिंग बहुत अच्छी लगती है। ठीक है सर, इससे है। पेंटिंग ही करवा दें। छुट्टियां अभी कंफर्म नहीं है, शायद मे बी 31st तक एक्सटेंड हो जाए। अभी कंफर्म कोई नहीं है इसका ना, छुट्टियों का। और उम्मीद है कि